हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंचायत समिति क्षेत्र में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के चौथे चरण का आगाज नारलाई से हुआ है। बुधवार को दाबेलाव तालाब पर आयोजित ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में एसडीएम, बीडीओ, सरपंच और अभियंताओं ने बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामीणों के साथ अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसडीएम हसमुख कुमार ने कहा कि जनवरी 2016 से राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद वर्षा के पानी को बर्बाद होने से बचाना और इसका संरक्षण करना है। बीडीओ रानू इंकिया ने कहा कि इस अभियान के तहत बारिश के पानी की एक एक बूंद को सहेज कर जल आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। इससे प्रदेश के किसान, खेत और पशुपालकों और पशुओं की भी मदद हो रही है। सरपंच दौलत चौधरी ने ग्राम पंचायत को चौथे चरण में शामिल करने पर हर्ष जताया और कहा कि इस अभियान की सफलता से न केवल लोगों की जल की जरूरत पूरी होगी वरन जल संरक्षण के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ेगी। ब्लॉक स्तरीय मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना शुभारंभ कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने श्रमदान कर अभियान का शुभारंभ किया। स्वयं सरपंच दौलत चौधरी ने कई तगारियां भरी। देसूरी से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।